नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जॉ लीगल लाइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विष्णु चौधरी। लड़का लड़की दोनों राजी हैं, बालिक भी हैं, कानूनी प्रक्रिया से शादी करी, तब भी मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई। सवाल है डीसी ठाकुर का, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, पहली बात, जब लड़का लड़की दोनों शादी करने के बारे में सोचते हैं तो वो अब आधी जानकारी जुटाते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, वो भागते हैं दिल्ली की तरफ। आजकल कुछ ऐसे ठग बैठे हुए हैं कि हम आपकी शादी करा देंगे, कोर्ट मैरिज करा देंगे, तो अलग अलग राज्यों के लोग दिल्ली की तरफ रुख करते हैं। पहली बात तो ये है कि जहाँ के भी आप रहने वाले हों, उसी राज्य में रह के, उसी डिस्ट्रिक्ट में रह के अपनी शादी की कार्रवाई को पूरा करें, किसी भी और राज्य की तरफ आप ना भागें। पहली बात, सबसे जो अहम बात है, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उसके हिसाब से जो अधिकार क्षेत्र बनेगा वो आपके राज्य का बनेगा, ना कि किसी और राज्य का। इसीलिए किसी भी बहकावे में ना आए, अपना जो लोकल डिस्ट्रिक्ट है आपका, जो आपका राज्य है, या राज्य के अपना हाई कोर्ट में आप याचिका दायर करें, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर याचिका दायर करें। जो भी आपके राज्य का प्रोविज़न है, या हाई कोर्ट का है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है, आप शादी की जो कार्रवाई है करने के बारे में सोचें तो अपने राज्य के अलावा किसी और राज्य में जाके शादी ना करें। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, YouTube पे वीडियो देखी और पहुंच जाते हैं अलग अलग राज्यों के अंदर, यहीं पे लोग मार खा जाते हैं। आपका जो अधिकार क्षेत्र, जो जुडिडिक्शन है, वो बनेगी आपके राज्य की, आपके डिस्ट्रिक्ट की, जिसके आप रहने वाले हैं। सबसे पहला काम तो ये करना है। उसके बाद दूसरा काम क्या है कि भाई, किसी की परिवार की अगर कोई लड़की गुम होती है या कहीं जाती हो, अपने घर नहीं लौटती है, तो नैतिक जिम्मेवारी बनती है उस परिवार की कि वो थाने में जाके शिकायत दर्ज कराएगा कि मेरी बेटी की उम्र ये है, ये कपड़े पहने हुए थे, घर से इतने बजे यहाँ के बोल के निकली थी, ये उसका फ़ोन नंबर है, अभी तक नहीं आई है। इन केस अब ये जो धारा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये अट्रैक्ट इस चीज़ पर करती है, तभी मुकदमा दर्ज होता है कि मर्जी से लड़की जाए या बिना मर्जी के जाए, माँ बाप की नैतिक जिम्मेवारी है कि वो दरखास्त देंगे। मान लीजिए लड़की को कोई भैगला फुसला के ले गया हो, उसको कुछ नशा करा के ले गया हो, या किसी ने सच में उसका अपहरण कर लिया हो, तो माँ बाप की तो नैतिक जिम्मेवारी है कि वो अगर उनके परिवार का कोई भी सदस्य गुम हुआ या नहीं आया तो थाने में जाकर शिकायत देंगे। कोई लड़की को शादी के झांसे में फैला के कहीं उसको बेचने के लिए ले गया हो, लड़की को किसी ने गलत चीज खिला के उसका माइंड वॉश कर दिया हो, तो उस चीज़ को निपटने के लिए, उसकी सलामती जानने के लिए कार्रवाई तो बनती है, तो माँ बाप जाएंगे पुलिस के अंदर शिकायत देंगे। और उसमें 366 सेक्शन अट्रैक्ट होता है कि विवाह आदि करने के लिए, विवश करने के लिए किसी स्त्री को प्यार से बहला के, फुसला के, अपहरण करके ले जाना, या वो मर्जी से भी जा रही है, यानी उसको प्रेशराइज करके या फुसला के, बहला के, जैसे भी कोई लेके जा रहा है, लेकिन लड़की तो जा रही है ना, तो 366 सेक्शन अट्रैक्ट होता है। अब उसके संग गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी कि हर लड़का उसको शादी की नीयत से ले जा रहा हो, उसको कुछ गलत इरादे के साथ भी ले जा रहा हो, उसकी हत्या करने के लिए ले जा रहा हो, तो माँ बाप तो का फर्ज है कि वो मुकदमा दर्ज कराएंगे, और मुकदमा दर्ज होना भी चाहिए। अगर सच में वो लोग उनका इरादा नहीं कर शादी करना चाहते हैं तो आगे छूट जाएंगे, लेकिन छूटेंगे कैसे, जब वो सही तरीके से चलेंगे, अपने राज्य में रहेंगे, अपने राज्य में रह के कार्रवाई करेंगे और पुलिस प्रोटेक्शन लेंगे। जज के सामने जब वो पहले पुलिस प्रोटेक्शन ले लेंगे, उनका जो इरादा वो क्लियर हो जाएगा कि भाई लड़की सुरक्षित है, उसके संग कोई भी गलत काम नहीं हुआ है, तो ये मुकदमा फिर वापस होगा। अगर प्रोटेक्शन नहीं ली है, कोर्ट के सामने आप अपीयर नहीं हुए और प्रोटेक्शन होम के अंदर आप नहीं गए हो, तो मुकदमा दर्ज रहेगा, गिरफ्तारी भी होगी और जेल भी जाओगे, क्योंकि उसके साथ आगे भी तो कुछ हो सकता था। तो शादी आप करें या ना करें, पुलिस प्रोटेक्शन आपको लेनी है, तभी आपका बचाव हो सकता है। अपने राज्य में रह के ही कार्य करें। आशा करते हैं दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।